हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सिंघनपुर, पंचमढ़ी और आदमगढ़ के शैल चित्रों के बारे में। दोस्तों, ये जो तीनों हैं ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, यहाँ के जो चित्र हैं वही महत्वपूर्ण हैं, और दोस्तों और किसने खोज की वो महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, यहाँ के जो बस हमें यही दोनों चीज़ याद करनी है, और यहाँ पे याद करने के लिए बहुत ज़्यादा और कुछ है नहीं। तो दोस्तों, वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है वो है सिंघनपुर। दोस्तों, वर्तमान छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले में ये स्थित है। और दोस्तों, रायगढ़ क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख स्थल है सिंघनपुर, और जो कि दोस्तों चावरथल पर्वत के तल पर बसा एक गांव है। और दोस्तों, यहाँ के महत्वपूर्ण शैल चित्रों की खोज 1910 में डब्लू एंडरसन महोदय ने की थी। दोस्तों, इस क्षेत्र के चित्र जहाँ पे चित्रित हैं वो स्थान लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर दोस्तों जाने के लिए भारी भरकम पत्थरों पर से चढ़कर जाना होता है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से मिले हैं। दोस्तों, यहाँ का जो सबसे उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण चित्र है वो है दोस्तों असंयत कंगारू का चित्र, और ये दोस्तों एग्जाम में भी आ चुका है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चित्र है वो है महिष के शिकार का दृश्य है, जिसमें दोस्तों बहुत से शिकारी मिलकर शिकार कर रहे हैं और उनके हाथ में भाले और डंडे हैं। दोस्तों, एक और चित्र है मत्स्य कन्या का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, एक और चित्र है जंगली सुअर के आखेट का दृश्य। और नेक्स्ट जो चित्र मिला है दोस्तों वो है पूंछ के सहारे खड़े हुए सर्प की आकृति। दोस्तों, यहाँ पे कपि मानव का भी चित्र मिला है, जो कि दोस्तों मनुष्य की आदिम अवस्था को व्यक्त करता है। और दोस्तों, यहाँ पे अनेक प्रतीकात्मक दोस्तों और अन्य आकृतियाँ भी चित्रित हैं, जिन्हें मनोरंजन घोष ने अपने मोनोग्राफ में प्रकाशित किया है। और तो दोस्तों, यहाँ पे जो रायगढ़ क्षेत्र में जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है वो आता है कबरा पहाड़ का, जो कि दोस्तों रायगढ़ नगर से 15 किलोमीटर दूर मजराबाली ग्राम के निकट स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे भी सिंघनपुर के समान चित्र गेरुए रंग से बने हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक चित्रित दृश्य है, चीते के शिकार का एक दृश्य है जो कि लाल गेरु रंग से चित्रित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र है। और दोस्तों, कबरा पहाड़ से जो है एक जंगली सुअर का भी चित्र मिला है, जो लाल गेरुए रंग में चित्रित है। और दोस्तों, एक और जो चित्र है कबरा पहाड़ से मिला है वो है चार गतिशील नृत्यरत मानव आकृतियों का रेखांकन, जो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों, कबरा पहाड़ के अलावा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों और अन्य जो जगहों से चित्र क्षेत्र से जो चित्र मिले हैं दोस्तों, उनमें हैं खैरपुर, कर्मागढ़, नवाबगढ़, बोतालदा। तो दोस्तों, इन स्थानों से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो वही दोस्तों, आप जान लेते हैं पंचमढ़ी के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र के शैल चित्रों का जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो दोस्तों जीआर हंटर को दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ की जो पंचमढ़ी गुफाएं हैं वो महादेव पर्वतमाला पे स्थित हैं, और यहाँ जो पांच गुफाएं दोस्तों प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि मानव द्वारा पाषाण चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। और दोस्तों, इन्हीं पाँच गुफाओं के आधार पर पंचमढ़ी नामकरण किया गया है, जो कि दोस्तों इन पांच गुफाओं का जो संबंध है वो स्थानीय लोगों द्वारा पांडवों के वनवास काल यानी महाभारत काल से जोड़ा जाता है। दोस्तों, इन जो पांच मानव निर्मित गुफाओं में से कोई चित्र तो नहीं मिलते हैं दोस्तों, यहाँ से लगभग अन्य जगहों से जो 50 प्राकृतिक पहाड़ी गुफाएं खोजी गई हैं उनमें दोस्तों 100 से अधिक चित्र मिले हैं। तो आइए दोस्तों, वो देख लेते हैं कौन कौन से चित्र हैं। दोस्तों, इमली खो गुफा में एक सांभर के शिकार का दृश्य मिला है। और दोस्तों, इसी गुफा के एक अन्य दृश्य में पांच धनुर्धरों द्वारा बैल का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। दोस्तों, यहां के महादेव बाजार की गुफा की दीवार पर दोस्तों एक विशालकाय बकरी का चित्र भी मिला है। और जो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो दोस्तों जम्बू द्वीप गुफा अथवा जम्बू नाला गुफा की दीवार पर नृत्य वादन का दृश्य तथा दोस्तों एक का कांटेदार जीव शाही को देखते हुए मानव का दृश्य मिला है। दोस्तों, यहाँ के भांडा देह गुफा की छत पर विशालकाय शेर अथवा चीते के आखेट का दृश्य मिला है।
और दोस्तों इसी गुफा के एक अन्य दृश्य में दोस्तों स्त्री पुरुष को संयुक्त रूप से शिकार करते हुए दर्शाया गया है। दोस्तों पंचमढ़ी क्षेत्र में विविध दैनिक क्रियाकलापों के चित्र भी देखने को मिलते हैं, जैसे दोस्तों शहद इकट्ठा करते हुए, गाय चराते हुए आदि। और दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं आदमगढ़ के शैल चित्र के बारे में। दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। और दोस्तों यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे दोस्तों आदमगढ़ कहते हैं। और दोस्तों यहीं पहाड़ी के ऊपरी भाग में दोस्तों एक दर्जन श्रृंखलाबद्ध शिलाश्रय खोजे गए हैं। और दोस्तों यहीं से जो है चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। और दोस्तों आदमगढ़ के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय 1922 में मनोरंजन घोष को दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो चित्र खोजे गए हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं वो है जिराफ समूह का चित्र, ये काफ़ी उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। और दोस्तों एक और चित्र मिला है, वो है विशालकाय 8 फीट लंबे महिष का चित्र, जिसे महामहिष की संज्ञा दी गई है। एक और चित्र है 4 फीट लंबे विशाल हाथी का चित्र। और दोस्तों एक और चित्र है छलांग लगाते हुए 12 सिंघे का, और दोस्तों कुलाचे भरते हुए हिरणों का चित्र। दोस्तों एक और चित्र है यहाँ पे लाल रंग की रेखाओं में चित्रित एक विचित्र मानव आकृति, जिसके नीचे विशाल काय मयूर दर्शाया गया है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में यही था। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन है। और अगर दोस्तों अगर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो बस यहीं तक था, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।